जो आज हम काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन, व्हाइल मूविंग दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। दिस रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ देयर स्पीड एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अग्री करते हैं आप? हमेशा मूवमेंट में रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं और वॉल्स से भी कोलाइड करते हैं। इस दौरान उनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और एनर्जी भी रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। सो द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट एनी इंस्टेंट आर नॉट द सेम। सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। दस वी कैन ऑब्टेन ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। If there are n number of molecules in a sample and their individual speeds are u1, u2, un, then average speed of molecules, u average, can be calculated as follows. U average is equal to u1 plus u2 plus so on upon number of molecules. इस तरह से निकलते हैं ना आप लोग एवरेज स्पीड। अब मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन हैव शोन दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉलिकुलर मास ऑफ अ गैस। अलग अलग टेम्परेचर पे जो स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स में वो बदल जाता है, और टेम्परेचर पे और मॉलिकुलर मास के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल डिराइव्ड अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग अ पर्टिकुलर स्पीड। फिगर 5.8 शोज द स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज मॉलिक्यूलर स्पीड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, जिसमें T2 इज हायर देन T1। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड शोन इन द प्लॉट इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। बच्चों, इस प्लॉट को आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसमें स्पीड वर्सेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में प्लॉट खींचा गया है, और जैसे जैसे देखो आप, दो तरह के टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाए गए हैं। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड है वो भी कम हो गए हैं, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जिनकी बहुत कम स्पीड है वो भी कम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, देखो आप, बीच में पीक आई है। ये पीक क्या दिखाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड होती है ना। इसको इसमें देखो, तीन तरह की स्पीड बताई गई है। जो ग्राफ T1 है, कम टेम्परेचर वाला ग्राफ, उसको देखो, कर्व को, इसमें एक स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP। ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी ही होती है, UMP। फिर है एवरेज स्पीड, U average। फिर है एक और स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, URMS। अभी हम देखते हैं कि इन सबकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। एवरेज स्पीड तो आपने निकालना देख लिया। मोस्ट प्रोबेबल में जिनकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड अभी सीखेंगे हम लोग। अब आप T1 और T2 टेम्परेचर पर जो अलग अलग ग्राफ मिले उन पर कंपेरिजन करो। देखो आप, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर जो ग्राफ मिला है उसमें जो UMP है, क्या उसमें उसकी वैल्यू बढ़ गई है T1 ग्राफ से? बिल्कुल बढ़ गई है। आप पीक को मत देखो, आप देखो स्पीड किस तरफ बढ़ रही है। ज़्यादा है ना इनकी स्पीड, UMP की वेलोसिटी बढ़ेगी नेचुरली। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये कर्व T2 पे ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई है, और कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम हैं, लेकिन ग्राफ की पीक जो है वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो दोनों ग्राफ में सेम ही है ना, तो एरिया तो बराबर ही रहना है ना दोनों का, इसीलिए पीक जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं टूवर्ड्स मोर एनर्जी, दे आर इंक्रीज्ड। तो दिस इज़ कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स ग्राफ। The graph shows that number of molecules possessing very high and very low speed is very small. The maximum in the curve represents speed possessed by maximum number of molecules. This speed is called most probable speed, UMP. This is very close to the average speed of the molecules. Okay? On increasing the temperature, most probable speed increases. Also, speed distribution curve broadens.
at higher temperature. Broadening of curve shows that number of molecules moving at higher speed is increases. Speed distribution also depends upon mass of molecules. At the same temperature, gas molecules with heavier mass have slower speed than the higher gas, lighter gas molecule. हल्की गैस जो होगी उसके molecules की velocity ज़्यादा होगी, speed ज़्यादा होगी, और जो heavier gas है उसके molecules की speed कम होगी. For temperature at the same for example, at the same temperature, lighter nitrogen molecules move faster than heavier chlorine molecules. Hence, at any given temperature, nitrogen molecules have higher value of most probable speed than the chlorine molecules. Look at the molecular speed distribution curve of chlorine and nitrogen given in figure. Though at a particular temperature, individual speed of molecules is changing, the distribution of speed remains the same. अब इस ग्राफ में अगर आपको दिया नहीं जाएगा कि कौन सा क्लोरीन का है, कौन सा नाइट्रोजन का है, आप पहचान लेंगे? देखो, नाइट्रोजन के जो UMP है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हैवियर है ना नाइट्रोजन से. तो जो स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन द मॉलिकुलर मास ऑल्सो, नॉट ओनली ऑन द टेम्परेचर बट मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस टू. लुक एट द ग्राफ ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन. ओके, we know that kinetic energy of a particular gas is given by expression kinetic energy is equal to half mu ka square. Therefore, if you want to know average translational kinetic energy half mu ka square bar for the movement of a gas particle in a straight line, we require the value of mean of square of speeds. Samajh gaye? Pehle speeds ka square karo, phir unka mean nikalo, to usko bolenge v square bar of all the molecules. This represents as follow. कैसे? U square bar is equal to U1 का square plus U2 का square so on upon n. जब आप इनके square का mean निकालोगे तो उसको बोलेंगे U square bar. The mean square speed is the direct measure of the average kinetic energy of gas molecules. Okay? इससे क्या निकलता है आपका average kinetic energy? If we take the square root of the mean of the square of speed, then we get value of speed which is different from the probable speed and average speed. This term is called root mean square speed and this is given by the expression as follows. अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? Root mean square speed निकालने के लिए formula दे रहे हैं. URMS कैसे निकलता है? URMS पहले आपने सारे स्पीड्स के जो वैल्यूज़ थी उनका स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला और फिर उसका रूट निकाल लिया. उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैव फॉलोइंग रिलेशनशिप. जो URMS है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम है एवरेज स्पीड और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ओके, देखो बच्चों, ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने जो फार्मूला निकाले थे ना RMS, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के, वो ही लिखे हुए हैं. VRMS इज इक्वल टू रूट 3RT अपॉन m, VAverage इज इक्वल टू 8RT अपॉन पाई m, और VMP इज इक्वल टू 2RT अपॉन m का रूट स्क्वायर. तो द रेशियो बिटवीन द थ्री स्पीड इज गिवन बिलो. UMP, UAverage और URMS में सबसे ज़्यादा है URMS, उससे कम है एवरेज और सबसे कम होती है MP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ये जेंडर रिलेशनशिप है, ये इस तरह से उनको अरेंज किया गया है स्पीड्स को. अब क्वेश्चन ये उठता है कि VRMS की आखिर ज़रूरत क्या थी, है ना, इसका ये मीन स्क्वायर करने की, फिर उसका रूट निकालने की. तो बच्चों, जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, स्पीड के लिए नहीं बोल रही मैं, वेलोसिटी एवरेज जो है वो ज़ीरो हो जाती है गैसेस की, तो इसीलिए उसको रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं. और दूसरा है कि आपको पूछेंगे कि भाई RMS की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीज़न यही है कि RMS की वैल्यू ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपने स्क्वायर किया है और स्क्वायर के बाद उसका मीन निकाल के उसका रूट किया है, तो उसकी वैल्यू RMS की वैल्यू ज़्यादा आती है.